स्लाइसर्स क्या होते हैं? स्लाइसर्स एमएस एक्सेल के सॉफ्टवेयर फिल्टर्स होते हैं जो कि पिवट टेबल्स और एक्सेल टेबल्स के लिए यूज होते हैं ओवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट, और इससे जो डाटा एक्सट्रैक्शन में हमें आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्लाइसर जो होते हैं हमें आसानी से लार्ज डाटा सेट में मौजूद फिल्टर्स के हवाले से डाटा सेट को समझने में आसानी मुहैया करते हैं। स्लाइसर जो होते हैं सिर्फ टेबल की फॉर्म में जो डाटा होता है उस पर ही एप्लीकेबल हैं। ये जो डाटा सेट हमारे पास होता है जनरल फॉर्मेट में उसके लिए ही एप्लीकेबल नहीं होते। सारे डाटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास पॉपअप शो होगा क्रिएट टेबल्स। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो डाटा सेट है ये टेबल्स की फॉर्म में आ गया है। अब ये टेबल की फॉर्म में जो डाटा सेट है इस पे हम स्लाइसर्स लगा सकते हैं। स्लाइसर्स क्या कैसे लगेंगे जी? आप कंट्रोल ए करके डाटा सेट को सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद आप यहां पे देखेंगे कि फिल्टर जो टूल बार ग्रुप है इसमें स्लाइसर मौजूद है। आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंसर्ट स्लाइसर पे आ जाएगा। अब जितने आपके पास डाटा सेट में कॉलम्स मौजूद होंगे उन कॉलम्स के अगेंस्ट जो है आप स्लाइसर क्रिएट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। आप एम्प्लॉय आई डी का अलग स्लाइसर बना सकते हैं, एम्प्लॉय नेम का, डेजिग्नेशन का, डिपार्टमेंट का, सैलरी का, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ का, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग का। अब लेट्स सपोज यहां से सिलेक्ट करता हूं एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय नेम और उसके बाद सैलरी। अब ये तीन स्लाइसर जो है मैं इसमें से इंसर्ट करता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास स्लाइसर आ गए हैं। अब इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। अब इसको मैं सेट करता हूं इन स्लाइसर्स को, ये मेरे पास तीन स्लाइसर्स हैं। अब अगर मैं देखना चाहूं कि वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 16 दिसंबर 2017 है, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो जो इसके रेलेवेंट डाटा है वो शो हो जाएगा। अब ये हमें बता रहा है कि इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जो एम्प्लॉय है उसका नेम अब्दुल्ला है और उसकी सैलरी जो है 18,000 सैलरी है। अब अगर मैं इसके बाद देखना चाहूँ जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5 जून है वो कौन सा एम्प्लॉय है, वो हमारे पास डाटा सेट शो हो जाता है उसमें एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो शो हो जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे पास अजीम नाम का जो एम्प्लॉय है उसका डाटा सेट आ जाए तो वो मेरे पास डाटा सेट सारा लहदा शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो स्लाइसर्स हैं उनको यूज़ करते हुए जो लार्ज सेट ऑफ डाटा है उसको समझने में आसानी पैदा करते हैं।